हाँ मेरे बाबू मैं को खा लूंगा इतना ला मैं उतार भव्य ने सॉक्स भी अपने आप से पहने हैं फ्रेंड्स, पैंट भी अपने आप से पहना है ना। और भव्य बहुत अच्छा बच्चा है, अपने आप से तैयार भी हो जाता है। मैं बिजी हो रही थी तो भव्य तैयार भी हो गए फ्रेंड्स। अपने आप से मम्मा की कितनी हेल्प करता है, जो लोग जिन लोगों को लगता है कि भव्य हमेशा अपनी मम्मा को परेशान करते हैं वो देख लीजिए भव्य कितने अच्छे बच्चे हैं। भव्य ने अपने आप से सॉक्स भी पहन लिए, पैंट भी पहन ली और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि अपर भी खुद ही पहन लें। लाओ बेटा मैं हेल्प कर दूँ आपकी। देखिए फ्रेंड्स भव्य बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस सिर्फ मैंने भव्य को शूज़ पहनाए हैं और ये अपर पहना रखा है, बाकी भव्य ने अपने आप से पहन रखा है। हेलो फ्रेंड्स बोलो बोलो। और आज भव्य का पहला पेपर है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसे ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। और ये फाइनल एग्ज़ाम है भव्य के, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में, देखती हूँ भव्य को, पहले उसको नाश्ता दे देती हूँ फ्रेंड्स, वो वेट कर रहा है, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छे सो रहे हैं अभी, उठो बेटो, उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, उसका एग्ज़ाम है कल, मतलब एग्ज़ाम है अभी, उठ जाएगी थोड़ी देर में। और यहाँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज उसको मैं डॉक्टर के पास भी ले जाऊँगी। मेरे को लग रहा है शायद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है होली में ना, तो इस वजह से उसे दिखाने ले जाना पड़ेगा। अभी वो सो रही है और भव्य का इधर ब्रेकफास्ट हो रहा है। खाओ बेटू जल्दी खाओ, कार्टून देखते देखते फ्रेंड्स का ब्रेकफास्ट हो रहा है। भव्य के लिए रखूंगी फ्रेंड्स टिफिन में गुजिया, भव्य ने बोला है कि आज मेरे लिए गुजिया रखना, एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं खाने का भी, तो अगर थोड़ा सा ब्रेक होगा और भूख लगेगी तो ये गुजिया खा लेंगे, इसलिए दो गुजिया रख रही हूँ मैं और वाटर बॉटल। चलिए फ्रेंड्स ये है भव्य का टिफिन, इसमें रखेंगे हम दो गुजिया, बाकी कुछ एक्स्ट्रा रखूँगी नहीं, क्योंकि पेपर है। अरे एक हाथ से लगता भी नहीं। और यहाँ मैंने ये दाल भिगा रखी है, ये कल शाम को तैयार होएगी, इसमें अंकुर निकल जाएंगे जब तब ये तैयार होएगी। और अब मैं भर लेती हूँ भव्य की वाटर बॉटल। भगवान जी को प्रणाम करो जल्दी का, जल्दी का। यहीं से यहीं से। दादी को करो, दादी को, हाँ दादी जी को करो पहला, ठीक से देना, दोनों हाथ से करते हैं, दादू को दादू करते हैं, राहुल करता है बढ़िया तरह से प्रणाम दोनों हाथ से, दादू को हाँ हाथ जोड़ो वहीं पर, हाथ जोड़ो ऐसे सर झुका के, दादू मेरा पेपर अच्छा कर देना बोलो। चल ना नोटिंग मत कर, क्यों देखेगा, मुझे नहीं देखा तुमने कभी, नहीं देखा कभी, गधे
मिनट जा, मैं ही चली जाती हूँ उधर से। अबे 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 क्या होता है ये? जाना है पिंडे खाने ना, तो तेरी बहुत सारी दवाइयां हो जाएंगी ना। नेहा को दिखाने जाना था फ्रेंड्स, लेकिन अब हम दिखाने नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे करिए? जैन के वहां फ्रेंड्स। नेहा की तबीयत कैसी है? ठीक है फ्रेंड्स, इसको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी जो हमारा अंदाजा था, और मम्मी ने बोला कि एक बार नाप चेक कर लेते हैं, तो नेहा की नाप चेक करी मम्मी ने, नापी तो इसकी नाप पकड़ रखी है, तो ये एक्सरसाइज से ही सही हो जाएगा। इसलिए इसको कोई दवाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज से ही सही होता है, और एक बार अगर दवाई की आदत पड़ जाए तो फिर बार बार दवाई ही लेनी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट है कि एक्सरसाइज करे, तो ये एक्सरसाइज करेगी और उससे सही हो जाएगी। और अभी ये तेल लगा रही है, तो सर पर धोना है, लेकिन इसे दिखाना है थोड़ा फेस पे ना, इसके पता नहीं पहले से ही हो रहा था कलर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, शायद एलर्जी सी हो रखी है, तो वो दिखाने के लिए जाना है। और उसके साथ साथ मुझे बाबा के नए वाले स्कूल में भी जाना है, तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में, देखते हैं कहाँ कहाँ तक जा पाते हैं। आ जाए 10 घंटे लगाना, चल अब जल्दी, मैंने ऑन कर रखा, आ जा। मैं कहाँ चलूँ, तू चल, तू इतनी धुंधली क्यों आ रही है, ब्लर? मुझे देखती क्या, मेरे को शर्म आ रही है। हाँ चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं जल्दी से, इसका कर ले। ये क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट और वो क्या आधार कार्ड, दोनों की कॉपी कर दे फटाफट। पीछे होगा देख, इसके पीछे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, बाबे के आधार कार्ड की, और ये उसकी फोटो की, क्या कहते हैं उसका नाम, बाबे के बर्थ सर्टिफिकेट की और आधार कार्ड की कॉपी करनी है एक एक। और वो आज जिस स्कूल में मैं उसका एडमिशन करा रही हूँ, वहाँ पे मुझे सबमिट करना है आज, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर कह रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे मंडी भी जाना है। और नेहा मैडम इतने घंटे लगा रही है कि पूछो मत। ओफो ये ना फ्रेंड्स, तो ये प्रिंटर भी पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अब नेहा गई है बगल वाली भाभी के वहाँ प्रिंट आउट निकालने के लिए, तब तक मैं ये सब सामान रख देती हूँ यहाँ पे, सारा फैला वैला के गई है, इसका कवर चढ़ा देती हूँ और उसके बाद निकलती हैं। टाइम हो गया जाने का फ्रेंड्स, ये लड़की का भी अता पता नहीं है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। नेहा आ गई है, देख लो नॉनसेंस, इतने घंटे लगा करके। आज तूने मौसाजी वाली टी शर्ट पहनी है? ओहो अच्छा भैया नमस्ते। अच्छा आप घर ही में थे? अच्छा ये है कूड़े का थैला, पेट में दर्द। हटो हटो हटो। हाँ क्या तेरे पेन चलते हैं, हम कूड़ा भी फेंकना है, कूड़ा भी फेंकना है, कूड़े के साथ साथ लड़की को भी फेंकना है, जिसको चाहिए होगी कूड़ेदान से उठा के ले जाना, क्योंकि वहीं से उठा के लाई थी मैं इसको, है ना? नहीं आई हो? और उसके बराबर वाले कूड़ेदान से इसको उठा के लाए थे, इसको भी एक दिन वहीं फेंक देंगे जहाँ से लाए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब हम, ले लीजिए मैडम। अब इसको भी तेरे को कह दो,
चले फ्रेंड्स अब चलते हैं मंडी, पहले मंडी चले स्कूल चले। पैसे निकालने मेरा, ये देखिए भाई ATM। फोल्ड कर दिया कर जाता या काट दिया जाता। चलिए जी चलते हैं अब हम मंडी, तो तू भी बोल सकती हो तो हम मंडी पहुंच गए करके है ना। पता है चलो देखते हैं अब क्या क्या लेना है ना। टमाटर 20 रुपए किलो। लाल मिर्च पता नहीं भाई, देख लेते हैं फ्रेंड्स। लहसुन भी ले लिया और लहसुन लेने के बाद अब चलते हैं गाड़ी के पास। ओ माय गॉड गाड़ी कैसे फंस गई है। चलो आ जा बेटा। जाओ करके आओ आ चलो। हम इसको बोलते थे कागज के ऐसे निकलते हैं यहाँ से भी काम हो गया हमारा, बब्बे का डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। अब चलते हैं यहाँ को डॉक्टर के पास, चलते आज पेपर पता नहीं कैसे दिया उसने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करवा बने। मेरा फोन कहाँ है पहुँच गए डॉक्टर के पास नेहा के इलाज के लिए, इलाज कराना है इसका। हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया। हाँ कहाँ जा रही है, किसके घर में घुसेगी, क्लिनिक आज बंद रहेगा। नेहा है राम, नेहा तेरा देखो आपको पता है, ये देखो नेहा का बेड लक, सी नेहा का बेड लक हमेशा की तरह।
बंद है सर, बताओ है? वो देख छोटा बाबू आ रहा है। शर्म भी आ गई। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए अनजान लोगों के साथ। बाय। अभी उसने फ्रेंड्स नया नया चलना सीखा है शायद। वो देखो 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 फिर मुड़ के। आ गया भाई मेरा हीरो स्कूल से। आजा। आ गया मेरा बच्चा। कैसा हुआ पेपर? पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इधर देख के बताओ कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। अम्मा आओ। क्या क्या पूछा मैम ने? क्या क्या पूछा? अब मार्केट चलेंगे। चले फ्रेंड्स घर पहुंच गए हम लोग। भव्य तो अंदर जा चुके हैं, मैं अभी जा रही है, देख सकते हैं आप, सामान लेके, बैग लेके, सब्जी मंडी से सामान लेके आई। तो देख लूं पहले स्कूटी लॉक है कि नहीं है मेरी। चलिए इसको रख दिया, अब घर भी पहुंच गए हैं। अब है लंच करने की बारी। तो उस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये देख लो भाई, भव्य को पता ही नहीं है पेपर किस चीज़ का था आज है, और लेकिन पेपर अच्छा हुआ है। जब तुम्हें पेपर किस चीज का है तो तुम्हारा पेपर कैसे अच्छा हो गया भाई? है पेपर था इंग्लिश का, बोलो। आपको पॉपकॉर्न दूं? नहीं मेरे को नहीं चाहिए, थैंक्स। देख लो इस लड़की को, हटो ना, मैं हटाऊं जल्दी। नहीं 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 नहीं।